स्पष्ट विचार देते हैं, क्योंकि ये भगवान ने बनाया है। और बाद में जो लेटेस्ट सब संप्रदाय के अलग अलग ग्रंथ जो निकले हैं वो कोई मनुष्य ने लिखा है, इसलिए वो पूर्ण नहीं है, ये पूर्ण है। तो इसी प्रकार भगवान ही इन सारे संसार को चलाने वाले हुए और सारे जीव भगवान का अंश हुआ, पहले से है। तो इस प्रकार भगवान का भक्ति करना जीवों का कर्तव्य है, इस श्लोक से स्थिर होता है। इस प्रकार इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंसम संहितायां पंचम स्कंधे भरत चरित्रे भगवत परिचर्यायां सप्तमो अध्यायः। इस प्रकार ये भरत महाराज के चरित्र में एक अध्याय पूर्ण हुआ, जिनका 14 श्लोक था, जो कल और आज लास्ट श्लोक हमने लिया। अथ अष्टमो अध्याय, अब आठवां अध्याय सुखदेव गोस्वामी पाद प्रारंभ करते हैं। सुकवाच, सुखदेव गोस्वामी पाद उस दुर्घटना का विवेचन कर रहे हैं कि भरत महाराज इतना सुंदर तरीके से उनका बुद्धि भगवान में लगा हुआ था, लेकिन एक दुर्घटना हो गया। इसको कहने के लिए कि एकदा, दा माने समय, एक समय की बात है। क्या बात है? बोले तू महानद्याम, एकदा तू महानद्याम कृता अभिषेक नैमिक आवश्यको और ब्रह्मा अक्षरम अभिगुणान अभिगुणान मुहूर्त त्रयम उदका अंतम उपविवेश। एक दिन की बात है कि श्री भरत महाराज उन आवश्यक कर्म, उन मलमूत्र का त्याग करके पवित्र गंडकी के भीतर वो स्नान किए, और स्नान करके वही अपनी बुद्धि को ठीक करने वाला गायत्री मंत्र जो दिया गया है उनका उच्चारण करने लगे। उनका उच्चारण करते ही भगवान में उनका ध्यान लग गया, और उनका बुद्धि भगवान में लगने के कारण कितना समय बीता मालूम नहीं, 3 पहर तक वो जल के तट पर बैठे रहे, ऐसे ही 3 पहर बीत गया। वैसे ही वो कैसे कहते मुहूर्त तयम उदकांतम, उदक माने नदी जो बह रही थी, अंतम माने किनारे पर, उन उदक के किनारे पर, नदी के किनारे पर मुहूर्त तयम और गणनो ब्रह्माक्षरम। वो सोच रहे थे कि अरे ये ठीक नहीं हुआ, ये गायत्री ठीक नहीं हुआ, ये गायत्री बुद्धि साथ नहीं दे रही थी, बुद्धि निमग्न हो गई थी भगवान में, इसके कारण परमानंद में मग्न थी, और इसी आनंद से वो गायत्री मंत्र कर रहे थे। कितना लगाव होगा भगवान से, हम लोग एक दिन भी याद नहीं करते। कोई लोग एक दिन याद करते तो बहुत बड़ा व्यक्ति माना जाता है संसार में, भगवान की याद आई, और देवता लोग सोचने लगते अरे इनको भगवान की याद आई है, तो वो लोग पूछ नहीं समझते मनुष्य को, अरे हमारे लिए कितने दिन हो गया, क्यों मनुष्य रूप में भगवान की याद आना। अरे कैसे, ये बहुत दुर्लभ वस्तु, और कथा मिलना ओ हो, इसीलिए तो मैं बार बार बोलता हूं कि जो लोग हरि कथा में आकर के बैठते हैं और कथा श्रवण करते हैं उनका भाग्य का हम लोग कोई सराहना क्या करेंगे, इतना बड़ा भाग्य, बड़े भाग्य जीव है, बहुत बड़े भाग्यवान है उनको किसी किसी को भगवत कथा, क्योंकि भगवत कथा से भगवत ज्ञान प्राप्त होता है। उन उरुक्रम भगवान की उन विजयमयी गाथाओं का ज्ञान होता है, भगवान किस प्रकार संसार बनाते हैं सब कुछ उसी से मालूम होता है। तो बड़े भाग्य जीव है, तो कितने भाग्यवान जीव इतने प्रेमी भक्त होंगे महाराज भरत, सोचिए। वो गायत्री कर रहे थे, वो सोचते रहे ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं। 3 पहर तक गायत्री किया, एक एक मंत्र रट रहे थे, परो रज समितुर जात वेद भर्ग देवस्य भर्गो मन से इदम जजाम, इसी मंत्र का रटन कर, लेकिन ठीक नहीं हुआ, अंतराय हुआ, दोबारा चालू किया, और रट रहे थे, बैठे हुए थे और भगवान में मन लगा हुआ था। तो उसी समय कहते तत्र तदा, उसी समय तत्र माने वहां पर, कहां पर,
गंडकी के तट के ऊपर तथा उस समय हरिणी पिपा सजा जलाशयम जलाशयाभ्यास उपजगाम। कहीं से एक घूमती हुई और डर की मारी इधर उधर देखती हुई एक हरिणी कृष्णसार मृग की पत्नी हरिणी वो पानी पर आई, किनारे पर आई, तट पर नदी के हा? और चारों ओर देख रही थी चकित होती हुई। सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन दे रहे कि उस टाइम हे राजन अभी एक दुर्घटना घटने जा रही है, इसलिए हे राजन सावधानी से सुनो, भक्ति में भी बहुत सावधानी रखना चाहिए। यह नहीं कि ठीक है भजन कर रहे सोना माला होगा, कभी एक माला होगा, कभी नहीं होगा। सावधानी बरतनी चाहिए भक्ति में। कितने सावधान होंगे वो भरत महाराज आप सोचिए, जिनको भाव तक उत्पन्न हो गया और रति उत्पन्न हो गई थी भाव से पहले के जो हृदय में कुछ उत्पन्न होता है उनको रति बोलते हैं। तो वो रति तक उनका माइंड चला गया था भगवान के प्रति। कहते हैं कि एक बहुत प्यासी हरिणी पानी पीने के लिए निकट में ही भरत महाराज बैठे थे और निकट में ही वो हरिणी पानी पीने के लिए आई। कहते कि तया पेपी मान उद के तावद एवा अभिदुरेण नदतो मृग पतेर उन्नादो लोक भयंकर उत्पतत। वो एक तो वो पानी भय से पी रही थी, इधर उधर देख रही थी, क्योंकि वो अपने झुंड से अलग हो गई थी इसलिए घबराहट में थी। झुंड में जो हरण होता है तो भय नहीं होता है, लेकिन वो अकेली थी इसलिए भयभीत होकर के चकित नेत्रों से इधर उधर देख रही थी और पानी पी रही थी। तब तक अभी दूरे, बहुत ज्यादा दूर नहीं, निकट है, तक अभी दूरे तावत है उसी टाइम, किस टाइम ना उदके पेपी मार गया, जब वो पानी की पानी को पी रही थी, अपनी प्यास बुझा रही थी, अब तक पूरा पानी नहीं पिया था, तब तक निकट में ही उन लोक भयंकर, लोक के लिए भी मनुष्य के लिए भी जो भयंकर सिंह की दहाड़ निकट में ही सुनाई पड़ी। एक सिंह की गर्जना उन हरिणी ने सुना। भरत महाराज उनको कोई फर्क नहीं गिरता था सिंह की आने से, वो जानते थे और साधु लोग सिंह को कुछ नहीं करते। आज भी हिमालय में देखा जाता है कि बड़े बड़े रिक्स इत्यादि जो है मनुष्यों को खा जाने वाले रिक्स, उसको ऋषि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, भालू, भालू को क्या बोलते हैं, देखो वो मनुष्य को खाने वाले इतने बड़े बड़े रहते हैं उधर पहाड़ की गुफा में हिमालय में, लेकिन साधु को कोई साधु को खा लिया ऐसा नहीं हुआ है, कोई साधु उनके द्वारा निगल लिया गया ऐसा बात नहीं हुआ है। भगवान की प्रेरणा से प्रत्येक के हृदय में भगवान है, सिद्ध होता है, वो अपने जन के पास जाने नहीं देते, उनको दूर रखते हैं, या फिर जाते भी है तो अपना स्वभाव छोड़ करके बैठ जाते हैं। ऐसा चित्र में भी आप देखेंगे, इंडिया में कहीं ज्यादा चित्र है साधु लोग के पास आकर के, और चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कराते थे, छोड़ दीजिए दूसरे का बात, महाप्रभु चैतन्य सिंह बाघ भालू ये सब लोग अपना अपना, और हरिण अपना डरपोक स्वभाव छोड़ देते थे और सिंह अपना रानी स्वभाव छोड़ देते थे, विकराल स्वभाव, और सब एक साथ में मिलकर के गले मिलकर के कीर्तन करते थे। 500 साल पूर्व की घटना है, क्योंकि साधु स्वभाव, अतः उनको कोई भय नहीं था, लेकिन दहाड़ तो सुनी, दहाड़ सुनने से उनका चित्त बाह्य हुआ, अन्यथा वो कैसे देखते थे ये घटना को। उन्होंने देखा कि हरिणी पानी पी रही है और तब तक सिंह दहाड़ा और दहाड़ से देखा आँख खोल करके हरिणी भयभीत होकर के वो छलांग लगाई, उछाल उछली वहां से, क्यों आगे के श्लोक में वर्णन करते सुखदेव गोस्वामी कहते तम उपसुत सा
मृगवधु, उन मृगवधु ने, उन मृग की पत्नी हरिणी ने उपश्रुत्य उन्होंने सुना। किस अवस्था में सुना? प्रकृति विकलवा, एक तो उनका स्वभाव भीरू था, वो डर डर भयभीत होकर के देखती जाती थी, पानी पीती थी, और चकित निरीक्षणा, वो बारंबार देखती रहती थी आंख उठा करके, कहीं सिंह बाघ नहीं है ना, मैं अकेली हूं, मैं अकेली हूं। और सुतराम अपि हरि भयात अभिनिवेश व्यग्र हृदया, और इसके कारण उन हरि माने सिंह के भय के कारण वो कहते परिलुप्त दृष्टि तृषा भयात अवतृषा भयात सहसिव उच्च क्राम। अभी पूरे प्यास नहीं बुझा था, लेकिन तब तक तो जान के ऊपर आ गई, निकट में सिंह दहाड़ा, अभी वो तुरंत अपने आप को उच्च क्रमांत उछाल भरी, और वो जो प्रवाह था वो प्रवाह को एक उछाल में लांग गई, वो तो भरनी थी। लेकिन एक दुर्घटना हुई, उन जो लांग रही थी उस टाइम उनके वो गर्भवती थी, तो उनका गर्भ अपनी जगह से हट गया और योनि मार्ग से जल में गिरा। भरत महाराज ने देखा, देख लिया, इसको घटना को बता रहे। वो कहते तस्या उत्पन्त्या अंतर्वत्या, अंतर्वत्या का तो गर्भवती थी, उत्पन्त्या उछली थी, गर्भवती उछली थी, तो कहते उरु भयात विगलितो, और सिंह के भय से उनका गर्भ अपने स्थान से हट गया। सिंह की दहार सुन करके अत्यंत भय होता है ना, तो भय के कारण गर्भ, स्त्री का गर्भ गिर जाता है, ऐसा बताया गया है। इसलिए कहते हैं कि गर्भवती स्त्रियों को बहुत ध्यान से रहना चाहिए, बहुत सेंसिटिव विषय को या बहुत विकराल विषय को न देखना चाहिए, न ज्यादा सुनना चाहिए, और टेलीविजन तो कभी नहीं देखना चाहिए, और नहीं तो टीवी देखने वाला बालक को उत्पन्न करेगी पक्का, 100% बात है। इसलिए रामायण भागवत इत्यादि पाठ का वर्णन किया गया है, वो असर होता है, माँ जो खाती है उनका असर नहीं, माँ सोचती है उनका भी असर, माँ जो बात करती है उनको भी वो बच्चा पकड़ता है गर्भ में, वो उसी प्रकार का होता है उनका स्वभाव, जैसे माँ का स्वभाव होता है उसी प्रकार का उनका स्वभाव होता है। इसलिए माँ को एकदम सिंसियर होकर के बच्चे को गर्भ में धारण करना, ये दूसरी बात है। तो ये भय के कारण उनका बच्चा अपने स्थान से खिसक गया, योनि मार्ग से जल में गिरा। कहते तत्प्रसवो पशुत्सपन भय खेद आतुरा स्वगणेन वियुज्यमान कस्याचित् दर्याम कृष्ण सारस्वती और निपात अथ च ममार। उन्होंने दहाड़ देख करके उन प्रवाह को तो क्रॉस कर लिया और कैसे भी करके सिंह से बचा लिया, वो सिंह उनके लिए नहीं दहा रहा था, वो दहाड़ दे रहे थे सिंह तो कभी कभी खुशी में भी दहाड़ दे, खा करके आराम से बैठा तभी भी वो एकाध बार तो, लेकिन सिंह की दहाड़ आपने सुना है, वो ये प्राणी संग्रहालय वाला नहीं, जो अत्यंत दुबला पतला होता है जिनको खाना नहीं मिलता है, गिर के जंगल में सौराष्ट्र में सिंह दहाड़ते हैं, जो नया नया है ना तो पेशाब पेशाब छूट जाएगा वहीं पर। यहाँ अफ्रीका में भी बहुत है जंगल में, वो जंगल का शेर जब दहाड़ता है ना इतनी भयानक आवाज होती है, बड़े बड़े वीर व्यक्ति कांपने लगते हैं, बोले अभी गए काम से, तो बेचारी भीड़ थी, उछाल तो लगा लिया, अपने आप को बचा तो लिया, लेकिन उनका गर्भ पानी में, और वो छलांग लगा करके भयभीत थी, और कहते हैं अपने जनों से वियुज जमाना, अपने जनों से वो अलग हो गई थी, और इस प्रकार कश्चित दरियाम कोई गुफा में जाकर के वो मर गई। सुखदेव गोस्वामी पद कहते हैं वो डर की मारी कोई गुफा में घुस गई कि सिंह न देखे, और वहां पर वो मर गई, प्राण त्याग कर दिया। इधर
भरत महाराज ने इस घटना को देखा, तमते तमतेन कुणकम कृपणम श्रोतम सायुह मान अनविक्षा अभिधम बंधुर इवा अनुकंपया राजर्षि भरत आदाय अमृत मात्रम इत्या आश्रम अपतत अनयत स्वपदम अनयत। तो सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि उन एन कुणक को, उन हरिण के बालक को, नया नया जन्मा हुआ बालक था, तो वो छोटा सा बच्चे को देख लिया जिनका कोई माता पिता नहीं था। श्री भरत महाराज ने दयावश कृपणम कुणकम एनम, अत्यंत कृपण माने जिनका कोई पालन करने वाला नहीं था, उनको देखा और देख करके वियुज्य माना नहीं ये रहा विक्षापति विदम और बंधुर रिक्त कंपया, उनका कोई बंधु नहीं था उनके साथ, राजर्षि भरत आदाय और बड़े प्रेम से साधु का स्वभाव है, उनको उठा करके जल से बाहर रखा। और बाहर रखते थे तब तक तो ठीक था, तब तक कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था, वो तो बचाना चाहिए कोई जीव को, पानी के स्रोत में बेचारा मर जाएगा, लेकिन उनके बाद में छोड़ देना चाहिए था। लेकिन भरत महाराज स्वपदम निन्युर, वो उनको अपने आश्रम में लेकर के आए, ये बड़ी दुर्घटना हो गई। क्या नो हरण का बालक खा जाएगा क्या? नहीं खा जाएगा नहीं, हरण बनाएगा। जरा सी आसक्ति, ये जो उपाख्यान है वो जगत के जीवों को केयरफुल करने के लिए, खास करके साधकों को जो साधना कर रहे हैं, उनको कितना केयरफुल साधना करना चाहिए, इसको बता रहे। जो विधि भक्ति में लगे हुए हैं उनको कितना विधि विधान के साथ, शास्त्र का नियमों के साथ अपनी साधना को करना चाहिए, उनको केयरफुल करने के लिए ये दुर्घटना, ये घटना भरत महाराज के साथ। वो आगे चक्रवर्ती ठाकुर उनको अपनी टीका में कहेंगे, उस टाइम तो टीका लेकर बैठना पड़ेगा। अद्भुत बात बताया है इस विषय में, दूसरे कोई आचार्य नहीं लिखे। सिद्ध स्वामी पाद बोलते हैं स्व प्रारब्ध कर्म वशात, अर्थात अपने पूर्व के कर्म के अनुसार ये घटना हुई, नहीं उस टाइम हम लोग बात करेंगे इसके विषय में। खैर तो वो ला करके आश्रम में लेकर के आए, तत्स्य हवा एन कुणकम उच्चर एतस्मिन कृत नीचा अभिमानस्य। अब एक दुर्घटना हुई कि वो लाए हुए उन एन कुलक को, हरिण के बालक में उनका नीचा अभिमान हो गया, ये मेरा है। देखिए अब ये चालू हुआ, जैसे हम लोग सोच रहे ना कि तो एक हिरण का बालक पूरे पृथ्वी का राज्य त्याग करके आए थे भरत महाराज, किस लिए? भगवान में अंतराय पड़ रहा था, अब एक बहुत बड़ा अंतराय आ गया और केवल एक हरिण बालक के लिए, और हम लोग का चित्त तो कितने जगह व्याप्त है, कितनी जगह में विक्षिप्त मन है, हमारा मति हमारा बुद्धि कितनी जगह में विक्षिप्त पड़ा हुआ है। उनको इकट्ठा करना एक काम है, और जब इकट्ठा करेंगे तो ये काम, तब तो जाकर के भगवान का भजन करेंगे, या उन विक्षिप्त चित्त को हरि का आश्रय लेकर के, हरि नाम का आश्रय लेकर के भक्त लोग एकत्रित करता है, एक जगह में स्थिर करने के लिए उपाय करते हैं, बैठते हैं, जप माला हाथ में लेकर, जो गुरु महाराज ने मंत्र दिया। विश्वनाथ चक्रधर ठाकुर पूरी बात लिख रहे हैं, ये सारे भक्तों के लिए उपदेश देते हैं, फिर वहां बात करेंगे। तो कहते राजर्षि भरत कहते कि जात अभिमानस्य आह रहस तत् पोषण पालन लालन पीरना अनुध्यान आत्मनियमा सहयमा पुरुष परिचर्या आदि एक एकश कतिपयेन अर्हगणेन वियुज्यमान किल सर्वम एवो उद्वसन।
हुआ ये कि उन हरिण बालक में आसक्त होते हुए श्री भरत महाराज को में उनकी ममता हो गई और उन ममता के कारण अत्यंत स्नेह से उनका पोषण करने लगे। पोषण का अर्थ उनके लिए खाना इत्यादि, एकदम कोमल कोमल घास, बच्चा नया नया था ना, एकदम कोमल कोमल घास लाते थे, कठिन बेचारा बच्चा नहीं चबा सकता है इसलिए कोमल कोमल घास, कहां भगवान के लिए वस्तु जुटाते थे एकदम नए नए पत्ते, वो हरिण बालक के लिए चालो कर दिया परिचर्या। जैसे हम लोग सेवा, ये सेवा का धर्म हमारा है भगवान की होनी चाहिए, लेकिन हम लोग अपने अनुसार कर रहे, जिनको जो पसंद है उनकी सेवा कर रहे, किसी को कुत्ता पसंद, वो बहन क्यों नहीं आ रही, कुत्ता वाली क्या नाम उसका आपके, कुत्रु, ओ क्यों थी तो क्यों माफी दी तू इसे हमने संसार है, किसी का कुत्ते में प्रेम हो जाता है, पुरुष जन्म का कुछ संस्कार होते हैं, परिंदे में किधर नहीं होता, इन्हें बात नहीं करी हुई कितना फोन करो तो अच्छी खबर से ओके, जो कुछ भी है तो भरत महाराज पोषण पोषण का तीर्ण जुटाने लगे हैं, और पालन, पालन का अर्थ होता है उनको सहलाना नहलाना इत्यादि, ये पालन का अर्थ होता है उन भेड़िए इत्यादि उनको खा न जाए, ये पालन का अर्थ है, वो एकदम केयरफुल थे, ये बच्चा नया नया कोई कुत्ता भी खा लेगा इसको, इसलिए बहुत ध्यान रखने लगे, उनको छोड़ करके इधर उधर भी नहीं जाते थे, और कुत्ते का हमेशा कुत्ते के लिए लाठी ले लिया था, अभी एक लाठी भी रखना चाहिए कोई कुत्ता वुत्ता आएगा इनको खा न जाए। अब उसको कोई पूछे महाराज अगर इतना फिक्र था, आप राजा थे पृथ्वी के, सारे प्राणी कभी भी न मरे व्यवस्था किया होता था तो, लेकिन उनको कौन बोले, अकेले थे, प्रभुपाद जी लिखते अकेले में भजन नहीं करना चाहिए, कहीं गलती हो रही तो कहने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए भक्तों के गुट में भजन करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, कहीं गलती जा रहा है भजन साधन में इत्यादि, कहीं आसक्ति हो रही है तो भगत लोग तुरंत बोलते, अपनी आसक्ति तो वो नहीं देखते, दूसरे की बताते हो भगत लोग उदार होते हैं, अपनी आसक्ति को नहीं देख करके दूसरों को सब भगत हो करके, और तुम वो तीन उनकी ओर होती है, एक उंगली दूसरे की ना, तीन अपनी ओर होती है, वो ये नहीं देखते तीन मेरी ओर है, मुझ में भी गलतियां है, लेकिन उदार। और जब घंट बजता है 4 बजे तो भक्त लोग बोलते अरे उठो उठो मंगल आरती का समय हो गया, और वो सोया हुआ है कभी कभी देखा गया, अरे यार तुम तो भरत महाराज हो कभी बोलते कह जो कुछ भी हो, तो कहते पालन और कुत्ते इत्यादि, लालन अभी उनको स्नेह के साथ उनके ऊपर हाथ फिराना अत्यंत, इतना कोमल कोमल इतना अच्छा स्पर्श लगता था उनको, इसलिए उनका लालन और पीड़न अनुध्यायन आत्म नियमा, और इसी के कारण उसमें लगने के कारण अपना जो कार्यक्रम था उसमें बहुत बड़ा अंतराय पड़ने लगा भगवत सेवा में, और भगवत सेवा में जब अंतराय होने लगा तो नियमा सहयमा और यम और नियम ढीले होने लगे, आसक्ति इतर होने से भक्ति ठीक से नहीं होती है, इसलिए अपने लोग को दूर रख करके वो गए थे अनासक्त होकर के भजन के लिए, ये जो अपने लोग है ना और बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि अंतराय है उनको छोड़ करके वो जंगल गए थे, और 30 पर भी ये दुर्घटना है, लेकिन ये दुर्घटना भगवान सबको दिखाने के लिए ये महान भक्त के साथ ये घटा रहे, आगे ये जानकारी होगा, आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर
उनको एक्सप्लेन करेंगे श्लोक को। एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी पाद जब कहते हैं कि ओहो इस प्रकार इतने महान व्यक्ति और इतने निम्न स्तर पर आ गए, उसी टाइम वो लिखते हैं ये सब कुछ बातें। तो कहते हैं कि उस प्रकार उनका यम नियम इत्यादि जो था भगवत सेवा परिचर्या इत्यादि, वो कहते पुरुष परिचर्या आदय, भगवान की परिचर्या सेवा में जो नियम यम इत्यादि था वो एक एक कस एक एक करके छूटने लगे। अब उनको फुर्सत नहीं था, वो बच्चे के पीछे फेरे में कभी तुलसी पत्ता नहीं आया तो चलाने लगे, नो प्रॉब्लम, क्या करें, ये तो भगवान का अंश है ना। अब ऐसी ऐसी बुद्धि अपनी बुद्धि को वो उल्टा ज्ञान देने लगे। जब आसक्ति होता है ना तो बुद्धि उल्टा ज्ञान देती है, तो संसार को कौन देखेगा साधु। और उन लोग तो बोलते अरे सब लोग साधु हो जाएगा तो आपका मंदिर कैसे चले, और तुम उनकी फिक्र मत करो, तुम साधु हो जाओ, तुम ये फिक्र क्यों करते, बोले संसार कैसे चलेगा सारे लोग साधु। आप बोलते साधु बनो साधु बनो, भजन करो भजन करो, सब भजन करेंगे व्यापार नहीं करेंगे तो आपको डोनेशन नहीं आएगा और आपका मंदिर बंद करना पड़ेगा, लोग यहां तक बोल देते। इसलिए हमको हमारा काम करने दीजिए, आप अपना कीजिए, हमको भजन नहीं करना, कहने का ही अर्थ होता है और कुछ नहीं, आप जो करना कीजिए, हमको अपना करने दीजिए। पर आप जो कर रहे हैं उनमें कितना कर्म बंधन है, इसी को भरत महाराज दिखाएंगे अपने पश्चाताप में। अनुताप होगा उनका हृदय में जब वो हरिण बालक के रूप में उत्पन्न होंगे, तब उनको याद रहेगा यही तो घटना बता रहे, और तब जाकर के सामान्य जीवों को ज्ञान होता है कि हम कितने भाई कितने डेंजर स्थिति में जी रहे हैं, कितनी भयानक स्थिति है। एक कुछ काल के लिए सुख भोग के लिए कितना खतरा मोल रहे हम लोग अपने ऊपर, कितना खतरा मोल लेते हैं, ये सारी बातें इससे विदित होती है। तो कतिपय न और गणन भी उच्चमाना, उनका जो पूजा का क्रम था वो छूटने लगा, एक एक करके नियम छूटने लगे, और एक दिन सर्वम एवो अद्वसन, और वास्तव में एक दिन सबको छूट गया, छूटते छूटते जब छूटने लगता है तो छूटते छूटते सब कुछ छूट गया। उसका तो उनमें मन नहीं था, क्योंकि देह के एक कार्यक्रम में एक नियम बन गया था, तो स्नान करने के लिए जाना एक नियम बन गया था, और नियम का केवल पालन हो रहा था, स्नान में मति नहीं था, गायत्री करना एक नियम हो गया था, गायत्री जब कर माइंड दूसरी जगह है, ओ हरिन बालक का क्या हुआ होगा, इसको होगा कि कोई खा नहीं लिया होगा ना, इत्यादि विचार में। अब उनका मन छूट गया हरिन में, और जो देह का कार्यक्रम था वो उनका चालू रहा, इसका अर्थ है छूटना, छूटता नहीं था परिचर्या, वो करते थे स्वभाव, इतने काल का 1 करोड़ साल का स्वभाव था, वो कैसे छूटेगा, शरीर का जो उनका शारीरिक क्रिया थी वो सब चालू थी, लेकिन मन, उनको बताएंगे अगले श्लोक में। कोई प्रश्न है, ठीक है ना, समय 5 मिनट है, एक श्लोक ले लो, थैंक यू। कहते अहो बतायम हरिण कुंड कह कृपण ईश्वर रथ चरण परिभ्रमणे न अयेन स्वगण सुयत बंधुभ्य परिवृजत शरणम च मो उपसादितो माम एव माता पितृ। बहुत लंबा श्लोक है, अब कहते तो मैं लूंगा लेकिन 5 मिनट में होगा इसलिए मैं छोड़ा यहाँ पर, ठीक है ना। कोई प्रश्न है, क्योंकि बहुत लंबा श्लोक और बहुत उपदेश इससे मिलता है हम लोग को, इसलिए कल लेंगे, क्योंकि भरत महाराज का उपाख्यान से जो उपदेश मिलता है वो इसी से निकालना होगा ना, आचार्य लोग जो निकालते हैं वो निकाल करके ग्रहण करना होगा ना, तो इसके लिए आपको कल आना पड़ेगा। और भी भरत महाराज क्या, भरत महाराज सोचे अरे रे ये
भगवान के काल चक्र के द्वारा बेचारा अपने स्नेहियों से अलग हो करके उन भगवान के काल चक्र ने मेरे आश्रय में डाल दिया है, अब मैं उनका त्याग कैसे कर सकूंगा, भले ही मेरा पूजा पाठ थोड़ा छूट रहा है तो छूटे। देखिए इस प्रकार सोच रहे, हम लोग भी उसी प्रकार भजन छूटते हमारा, बोले ये कार्यक्रम है वो कार्यक्रम, आज उधर मंदिर भजन में नहीं गई, जब कोई बात नहीं, जब तो छूट जाने, लेकिन ये सब चाहिए।